आज का वीडियो बनाना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बट लेट मी ट्राई। आज एक ऐसे महाराजा की कहानी बतानी है जो कभी युद्ध के मैदान में हारे नहीं, लेकिन फिर भी इतिहास से हार गए। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। आज उनका जन्मदिन है और आज मुझे आप तक एक ऐसी कहानी पहुंचानी है जो मैं कितनी भी बार सुन लूं हर बार इमोशनल हो जाता हूं। आज के वीडियो में कोई ग्रेट विजुअल्स नहीं है, कोई ग्रेट एडिटिंग नहीं है, तो बस एक ग्रेट कहानी। आज हम जिस भारत को जानते हैं उसे एक आइडेंटिटी देने में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ छत्रपति संभाजी महाराज का भी एक अमूल्य योगदान रहा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की शुरुआत एक ट्रेजेडी से हुई। वो सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी माँ गुजर गई और उनके पिता कोई आम पिता नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में उनकी दादी ने, जिजामा ने, उन्हें संभाला और बड़ा किया। एक वॉरियर लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं बुद्धि से भी जीतता है, ये संभाजी महाराज को बचपन से ही सिखाया गया। संस्कृत के साथ साथ संभाजी महाराज 13 भाषाएं जानते थे, पोर्तुगीज भाषा भी जानते थे, जिससे गोवा में पोर्तुगीज कॉलोनाइजर से लड़ने में उन्हें फ्यूचर में हेल्प हुई। बचपन से ही इम्पॉसिबल काम करना संभाजी महाराज जानते थे। वो सिर्फ 9 साल के थे जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, सच में नहीं सिर्फ नाटक किया, और उनके साथ साथ संभाजी को भी आगरा में बुलाया और उन्हें जेल में डाल दिया। कोई और होता तो डर जाता, अपनी जान को अपने पिता के सपने से ऊपर समझता, लेकिन छत्रपति संभाजी अलग थे। गिव अप करना कभी जानते ही नहीं थे, और जिनके इरादे पत्थर से भी मजबूत होते हैं उन्हें कैद रखने की दीवारें कभी बनी नहीं। और एक 9 साल का बच्चा और उसके पिता औरंगजेब के लाखों सैनिकों के नाक के नीचे से बाहर निकले। वो सिर्फ 10 साल के थे जब वो आमेर के महाराजा के पास ये सीखने के लिए गए कि शासन कैसे करते हैं। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने दूसरे राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ 19 साल के थे जब रायगढ़ में इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने लगे। वो सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। अक्सर हम सुनते हैं कि एक महान राजा गुजर जाने के बाद उनका राज्य भी बिखर जाता है, लेकिन संभाजी राजे ने ये होने नहीं दिया। डिसीजंस को इमोशनली नहीं रैशनली लेने का फैसला किया। स्वराज्य के लिए फॉरेन रूलर्स का जाना भी जरूरी है और एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम का आना भी जरूरी है, ये संभाजी महाराज जानते थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था, जहां का खजाना पूरे मराठा साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए काफी था। इसी आइडिया के साथ एक 23 साल के युवा ने मुगल बादशाह को हरा, एक बार नहीं बार बार लगातार। 20,000 की छोटी सी सेना के साथ 800,000 मुगलों का सामना किया। जब औरंगजेब ने पोर्तुगीज नेवी की मदद लेनी चाहिए, तब संभाजी महाराज ने उनको भी धूल चटाई। उन्होंने मुगलों को इतना परेशान कर दिया कि उनका फोकस नॉर्थ से हटने लगा और राजस्थान, पंजाब, बुंदेलखंड जैसी जगहों पर फिर से भारतीय साम्राज्य उभरने लगे। एंड दिस वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस वॉज हिज लेगेसी। इफ छत्रपति शिवाजी महाराज गेव बर्थ टू द स्वराज्य मूवमेंट, देन छत्रपति संभाजी महाराज केप्ट इट अलाइव। सिर्फ 9 सालों में छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी, लेकिन फिर भी अंत में अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। गणोजी शिर्के संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई के भाई थे। संभाजी राजे ने उन्हें वतनदारी देने से इनकार किया था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पॉलिसी के अगेंस्ट, और संभाजी महाराज ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते थे जो स्वराज्य के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता। इसी बात का बदला लेने के लिए जब छत्रपति संभाजी महाराज एक सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे, तब गणोजी शिर्के ने ये इन्फॉर्मेशन औरंगजेब तक पहुंचा दी और संभाजी राजे पकड़े गए। किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को एक डिग्निटी दी जाती है, और संभाजी तो फिर भी राजा थे, फिर भी उन्हें टॉर्चर किया गया, फिजिकली नहीं मेंटली भी। औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी। एक कि संभाजी औरंगजेब को बादशाह मान ले, दूसरी ये कि मराठाओं का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर, और तीसरी संभाजी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम का स्वीकार करें। छत्रपति किसी भी कीमत पर इन कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि इन्हें एक्सेप्ट करना स्वराज्य को धोखा देने जैसा था। देखिए अगला पार्ट सब लोगों की बस की बात नहीं है, तो अगर आप टॉर्चर के डिटेल्स को स्किप करना चाहते हैं तो यहां तक स्किप कीजिए। संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया, लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया, यहां तक उन पर पेशाब भी करने के लिए कहा गया। प्रिजन में 40 दिनों के लिए लगातार उन्हें टॉर्चर किया गया। एक एक करके उनके नाखून निकाले गए, उनके आंखों में मिर्ची डाली गई, औजारों के जरिए उनकी स्किन निकाली गई। लोहे की सलिया देखिए, ऐसे सलियों को गर्म करके लाल किया गया और उनकी आंखों में घुसाकर उन्हें अंधा कर दिया गया। हर रोज पूछा गया कि क्या शर्तें मंजूर हैं, लेकिन हमारी छत्रपति का जवाब हमेशा सेम था, नहीं। एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, यहां तक उनकी जबान भी काट दी गई, लेकिन फिर भी उनका जवाब नहीं बदला। औरंगजेब ने उनके शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन वो उनके जज्बे को तोड़ नहीं पाए। आखिर में उन्हें हिंदू रिचुअल्स के अनुसार अंतिम संस्कार तक नहीं दिया गया। उनके शरीर के टुकड़े कर करके उन्हें नदी में फेंका। Now, as you know the story, let me tell you why it's impossible
टू मेक अ वीडियो। लेट मी टेल यू द रियल रीजन। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ जो किया वो क्रूअल था, लेकिन कितने लोग हैं जो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? कितने लोग हैं जो औरंगजेब को अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम कहकर जस्टिफाई करते हैं, किताबें लिखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? और कितने लोग हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के कॉन्ट्रीब्यूशन को जानते हैं? हमारे चैनल पर मैं धर्म की बातें करना पसंद नहीं करता, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ धर्म को नहीं, अपने स्वराज्य के आइडिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने पिता की मेमोरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और ये सच, और ये सच कहने में मुझे कोई डर नहीं। ये है हमारा देश मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय। लेकिन फिर हमारी आइडेंटिटी कहीं पर खो गई। फिर आया अहोम साम्राज्य जिन्होंने असम में हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया। फिर आए चोलास और पांड्यास जिन्होंने हमारे कल्चर को दूसरे देशों में बढ़ाया। और फिर आए मराठा राजे जिन्होंने भारत को फिर से एक मौका दिया, स्वराज्य का सपना दिखाया। 70 साल पहले तो ब्रिटिश थे राइट, उनके पास एक रीजन था हमारा इतिहास हमसे छुपाने के लिए। लेकिन आज तो हम आजाद है राइट, आज हमारे पास क्या रीजन है ये कहानियां हमारे नए जनरेशन से छुपाने के लिए? छत्रपति संभाजी महाराज एक प्रिजन में थे जब उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी आज हम उन्हें फ्री कर सकते हैं, उनकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें जिंदा रख सकते हैं। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक झूठ बोला था कि छत्रपति संभाजी महाराज इतिहास से हार गए, ये सच नहीं, क्योंकि भले ही हिस्ट्री बुक्स उन्हें भूल गए हो, हमारी हिस्ट्री टीचर उन्हें भूली नहीं थी। जैसे जिजामा ने शिवाजी और संभाजी को बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई थी, हमारी हिस्ट्री टीचर ने हमें उनकी कहानियां सुनाई थी, उन्हें जिंदा रखा था कहानियों के। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि कब तक हम उनकी ब्रेवरी को छुपाने के बहाने ढूंढते रहेंगे? कब तक हम उनके सच को एक प्रिजन में दबा कर रखें? कब तक हम भारत के राजाओं के कॉन्ट्रीब्यूशन को अनदेखा करते रहेंगे? ऐसी कई कहानियां हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है, हमें हमारे इस मिशन में हेल्प कीजिए, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के सैक्रिफाइस को याद रखना स्वराज्य की वैल्यू को याद रखने जैसा, और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।